नमस्कार, मैं हूं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिक्चर इफेक्ट के रिफ्लेक्शन वाले ऑप्शन के बारे में। जी हाँ, पिक्चर इफेक्ट का रिफ्लेक्शन ऑप्शन इमेज इंसर्ट करने के बाद ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर जाएंगे, पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक्चर ले लेंगे। पिक्चर को इंसर्ट कैसे करते हैं उस पर और भी एक वीडियो पहले बना चुके हैं हम लोग, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको पता चले पिक्चर इंसर्ट करने के अलग अलग ऑप्शन के बारे में। फिलहाल मैं इस पिक्चर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये ठीक से दिखाई दे। तो ये हमने पिक्चर को छोटा कर दिया है, इस पर मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, जैसे कि पिक्चर बॉर्डर। तो उसके लिए मैं इसको आउटलाइन जो कलर है उसको ब्लू कलर का कर लेता हूँ, और इसका जो विड्थ है उसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। बॉर्डर का आउटलाइन बॉर्डर मैंने 4.5 PT का ये बॉर्डर ले लिया है, जिससे ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इस तरह से हम इसके रिफ्लेक्शन वाले जो ऑप्शंस हैं उस पर जाएंगे और उसमें क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में जानेंगे, कैसे कैसे चेंजेस दिखाई देंगे वो भी जानते हैं। इसके ही पिक्चर इफेक्ट के प्रीसेट और शेडो पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट पर इनकी लिंक्स अवेलेबल है। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, पिक्चर पे क्लिक करते ही पिक्चर फॉर्मेट ये नया टैब ओपन हुआ है, जिसमें पिक्चर इफेक्ट ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसमें से तीसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। अभी जो हमने इमेज सेलेक्ट की है उस पर लिखा हुआ है नो रिफ्लेक्शन, यानी ये वाली जो इमेज है इस पर कोई भी रिफ्लेक्शन अभी है नहीं। तो इसके आगे मैं लिख लेता हूँ कि हमने क्या सेटिंग रखी है। तो ये इस पर है नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरी इमेज ले लेते हैं, उसके लिए इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और आगे आके पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरी दूसरी इमेज भी आ गई है, इस पर वापस क्लिक करेंगे, सेम पिक्चर फॉर्मेट वाले टैब पर जाएंगे, पिक्चर इफेक्ट पर क्लिक करते ही रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन पे चूज करेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन वेरिएशन जो ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है आपका टाइट रिफ्लेक्शन टचिंग, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया है और ये उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसके आगे लिख लेता हूँ टाइट रिफ्लेक्शन टचिंग, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको देख लेते हैं फिर से। ये देखिए रिफ्लेक्शन ऑप्शन, और ये रहा हमारा पहला ऑप्शन टाइट रिफ्लेक्शन टचिंग वाला, ये हमने यहाँ से ले लिया है टाइट रिफ्लेक्शन टचिंग। अब ये फिर से कॉपी कर लेंगे इसको, इस इमेज को, ताकि अलग ऑप्शन को देख सके। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया है पेस्ट करने पर, ये देखिए ऐसा ही इमेज आ रहा है। अब इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे, यहाँ पर सेम आप देख सकते हैं अभी वो टैब नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करते ही पिक्चर फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया, यहाँ पर गए पिक्चर इफेक्ट पर क्लिक किया और यहाँ से रिफ्लेक्शन वाले ऑप्शन पर गए। अब अगला जो ऑप्शन है ये है हाफ रिफ्लेक्शन टचिंग, तो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे लिख सकते हैं हम हाफ रिफ्लेक्शन टचिंग। तो इस तरह से अभी यहाँ पे इमेज है और इसका डिटेल्स यहाँ पर है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से इस इमेज को नीचे ले देता हूँ ताकि आपको ये यहाँ पे दिखाई दे। हर बार ये प्रोसीजर ना करना पड़े, यानी कि इस पर क्लिक करके कॉपी करने के बाद पेस्ट करने पे जो ऑप्शन आ रहे हैं इस पर क्लिक करने पे, इस पे हमें बार बार यहाँ से जाना पड़ रहा है। अगर ऑप्शन हम चाहते हैं कि यहाँ पे बार बार ना जाना पड़े तो हम यहाँ से इस पर आके इस बार मैं इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ। राइट क्लिक करने पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे रिफ्लेक्शन को ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पे करने के लिए। अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी एडेड है। अभी आप देखिए रिफ्लेक्शन वाले ऑप्शन पे यहाँ पर इसको ऐड कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले मैं इसको एक बार यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि हमें कैसे ऐड करना है ये भी पता चल जाए। फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस ऑप्शन पर गए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाले ऑप्शन पर गए और यहाँ से मैं इस पर राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार करता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। तो इस बार हम आगे वाले ऑप्शन को यहीं से लेंगे, इस पर क्लिक किया, इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया, ये हमने पिछला वाला चूज किया था। अब आगे वाले पे चलते हैं, इसका नाम है फुल रिफ्लेक्शन टचिंग, इस पर मैंने क्लिक किया। ये देखिए रिफ्लेक्शन पूरा पूरा लगभग दिखाई दे रहा है और ये यहाँ से आ रहा है फुल रिफ्लेक्शन टचिंग, ये इस तरह से। तो ये नो रिफ्लेक्शन था, ये टाइट रिफ्लेक्शन टचिंग, ये हाफ रिफ्लेक्शन टचिंग और फुल रिफ्लेक्शन टचिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम अगले इस पर चलते हैं, इसके लिए हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इमेज को, यहाँ से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इस पर क्लिक किया, इस ऑप्शन पर गए और यहाँ से अब ये फुल वाला हमारा हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलना है, टाइट रिफ्लेक्शन 4 पॉइंट ऑफसेट लिखा हुआ है इसका नाम, तो इस पर क्लिक किया। ये मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद टाइप कर लेता हूँ टाइट रिफ्लेक्शन और आगे क्या था 4 पॉइंट ऑफसेट 4 पॉइंट, इस पर क्लिक करके देख लेता हूँ 4 पॉइंट ऑफसेट।
4 पॉइंट ऑफसेट। तो इस तरह से मेरा ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आ गया है। अभी स्पेस देके एक और बार इमेज को, कोई भी इमेज को कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। इसको कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और इस बार फिर से इस पर क्लिक करना। और इस बार हमने ये जो ऑप्शन चूज किया था टॉप रिफ्लेक्शन 4 पॉइंट ऑफसेट, इसके बाजू वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसमें लिखा है हाफ रिफ्लेक्शन 4 पॉइंट ऑफसेट, तो हाफ रिफ्लेक्शन 4 पॉइंट ऑफ सेट, तो ये यहाँ पर आ गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ से जो है दे देता हूँ इस तरफ मार्जिन्स, ताकि ये यहाँ पर दिखाई दे। एंटर करके मैं नीचे आ गया हूँ। इमेज हमने कॉपी किया था उसी को वापस पेस्ट कर लिया है। अगले ऑप्शन पे जाएंगे, इसके लिए सेम प्रोसीजर यहाँ से कर लेंगे क्विक एक्सेस टूल बार से। इस बार हमने ये वाला ले लिया था हाफ रिफ्लेक्शन 4 पॉइंट ऑफसेट, इस बार आगे वाला ऑप्शन ले लेते हैं फुल रिफ्लेक्शन 4 पॉइंट ऑफसेट पर। ये फुल रिफ्लेक्शन 4 पॉइंट ऑफसेट, फिर से इमेज को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है। इस बार हमने ये ले लिया था हाफ के बाद फुल वाला, और अब अगले वाले पे चलते हैं जहाँ पे लिखा है टाइट रिफ्लेक्शन 8 पॉइंट ऑफसेट। तो हम यहाँ से जो लिखा हुआ उस पर कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे 4 की जगह पे 8 लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आ गया है। मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये देखिए टाइट रिफ्लेक्शन 8 पॉइंट ऑफसेट दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं एंटर करके नीचे आता हूँ, इमेज को पेस्ट करता हूँ। माफ कीजिएगा, वो कॉपी किया था इसलिए वही पेस्ट हो गया है। ये मैं नीचे आ गया, मैंने इमेज पेस्ट कर दी है, और यहाँ से आगे बढ़ के अगले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब ये देखिए ये टाइट रिफ्लेक्शन 4 पॉइंट था, ये वाला 8 पॉइंट वाला था। अब इस पर क्लिक करते हैं, और ये हाफ रिफ्लेक्शन 8 पॉइंट ऑफसेट है। तो हम लोग यहाँ से जो हमने ये लिया है उसकी जगह हाफ रिफ्लेक्शन ले लिया, टाइट की जगह पे हाफ लिख दिया। ये हाफ रिफ्लेक्शन इसका दिखाई दे रहा है, और 8 पॉइंट ऑफसेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर से मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और पेस्ट कर लेता हूँ। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ से ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया, ये इसका आखिरी ऑप्शन है जो है फुल रिफ्लेक्शन 8 पॉइंट ऑफसेट। तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर लिया, ये देखिए इसका लगभग पूरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और हाफ की जगह पे हम लोग इसे टाइप कर लेंगे फुल। तो इस तरह से मैंने सारे ऑप्शन आपको दिखाने के लिए कि कैसे कैसे इमेजेस आपको दिखेंगे। अभी क्या होगा कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, और आप चाह रहे हैं देखना कि यार कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे तो बेटर होगा, तो आप ऐसे एक एक करके जाएंगे, फिर आपको डिसाइड करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अरे वो अच्छा दिख रहा था या ये अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आप ये एक साथ में ले सकते हैं, और आप सारों को साथ में देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, और उस हिसाब से आप चूज करके अपने डॉक्यूमेंट को और भी अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं, और ये जिस तरह से हमने लिखा है उसके बारे में, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये वाला ऑप्शन ऐसा दिखाई देता है, इस पे ये अच्छा है। तो आप जल्दी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अभी इसी में एक और ऑप्शन है आपके पास, इसके लिए मैं इस इमेज को वापस कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर लास्ट में आके पेस्ट करता हूँ। अब ये नॉर्मल सी इमेज है जो हमने थोड़ी सी एडिटिंग की थी जिसमें। अब इसमें जो आखिरी ऑप्शन है वो बताना है, वो रिफ्लेक्शन ऑप्शन है। इस पर क्लिक किया मैंने, इस पर क्लिक करते ही राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है फॉर्मेट पिक्चर का, जिसमें रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। तो रिफ्लेक्शन में हमने जो ऑप्शन प्रीसेट वाले देखे थे प्रीसेट्स के रिफ्लेक्शन के, तो ये पहले से जो ऑप्शन अवेलेबल थे वो थे। तो हमने हम मान लीजिए जैसे ये वाला एक ऑप्शन ले लिया, अब इसमें ये यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, या फिर हम थोड़ा कुछ फुल वाला अगर दिखाई दे रहा है फुल रिफ्लेक्शन वाला ये ले लेते हैं, ताकि फुल रिफ्लेक्शन दिखाई दे। अब इसके बाद उसके नीचे ट्रांसपेरेंसी, जो आपका जो इमेज है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कितना ट्रांसपेरेंट हो वो आप देख सकते हैं। अगर आपने 100% ट्रांसपेरेंट कर दिया तो लगभग नहीं के बराबर दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा इनफैक्ट। अगर आप कम रखते हैं तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो एकदम डार्क लगेगा। फिर उसके बाद साइज है कि आपके रिफ्लेक्शन का साइज कितना होना चाहिए, कितना बड़ा कितना छोटा, तो वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद अगर आपका जो रिफ्लेक्शन है वो अभी जैसे क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा ब्लर दिखाई दे रिफ्लेक्शन जो है, तो इस तरह से ब्लर भी हो सकता है वो। ये देखिए अगर पूरा कर लिया 100 तो वो दिखाई नहीं दे रहा, एकदम ब्लर हो गया, यहाँ से हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा जिस तरह से यहाँ पे चेंजेस हो रहा है।
इसके बाद आपका ये जो रिफ्लेक्शन है वो आपके एक्चुअल इमेज से कितना दूर होगा वो आप ये यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने 94 से 100 पॉइंट कर लिया है, ये यहाँ पे इतना गैप आ गया है। तो आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट टाइप करना चाहते हैं। तो मैंने 50 कर लिया, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बदलाव हो गया। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रिफ्लेक्शन में दिखाई देते हैं। अगर आप इसे का जो रिफ्लेक्शन है उसको यहाँ से बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी उसको बदल सकते हैं। तो आपने जिस तरह से चेंजेस किए, फिर यहाँ पर ट्रांसफर का परसेंटेज, साइज का परसेंटेज, ब्लर कितना होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये वही सारे ऑप्शन आपको फिर से दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि पिक्चर इफेक्ट के जो रिफ्लेक्शन ऑप्शन है उसमें आपके इमेज के रिफ्लेक्शन कैसे दिखाई देते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में देखा था। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी इससे मदद मिल सकती है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।